हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवरीथिंग इज बेस्ट में। आज मैं आपके लाया हूँ कि यदि आप काइनमास्टर में वीडियो एडिटिंग करते हैं और यदि कोई क्लिप आप या कोई वीडियो क्लिप आप इंपोर्ट करवाते हैं अपने काइनमास्टर में एडिटिंग के लिए, तो वो अनसपोर्टेड फॉर्मेट शो करती है। तो इस अनसपोर्टेड फाइल को हम कैसे सपोर्टेड बना सकते हैं, मतलब आप कैसे इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं? पहले तो ये इंपोर्ट नहीं होती है, पर मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए ये सपोर्टेड हो जाएगी और आसानी से आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट काइनमास्टर की ओर। तो काइनमास्टर में इसके लिए क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट पे मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अपने मनचाहे आप रेशो ले लीजिए, मैं फर्स्ट वाले को ही यहाँ पर सिलेक्ट रहने देता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका मोबाइल को आपको थोड़ा सा लैंडस्केप पोजीशन में लेके आना पड़ेगा, तभी आप वीडियो को अच्छे समझ पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज एसेट्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अपने मनचाहे अनुसार बैकग्राउंड की स्क्रीन का कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ी जो ये लेयर है इसको थोड़ी सी लंबी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट पे आ जाता हूँ। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे जाते हैं वीडियो क्लिप को इंपोर्ट करवाने के लिए। तो मैं लेयर पे जाता हूँ और यहाँ मीडिया पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे डाउनलोड वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, मुझे जो भी फाइल मुझे लेनी है। तो देखिए हमारे पास एक क्लिप रखी हुई है 26 सेकंड की, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो देखिएगा आप, जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट ये शो कर रहा है। तो आप इससे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 26 सेकंड की फ़ाइल है उसके बावजूद भी अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट बता रहा है। तो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा इस वीडियो को। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम बैक करते हैं, पूरा बैक चले जाएंगे और उसके बाद वापस से अपने मोबाइल का पोर्ट्रेट पोजीशन में ले आइए समझने के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं हम और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा वीडियो कंप्रेसर। वीडियो कंप्रेसर लिख के आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये देखिए वीडियो कंप्रेसर, ये साइज़ कंप्रेस लिखा हुआ है, ये वाला वीडियो कंप्रेसर आपको डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैं इसको ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आसानी से कर पाता हूँ, आप चाहें जोन सा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन मांगेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ अपडेट मांग रहा तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और वहाँ पे आपको इंस्टॉल मांगेगा तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको सिंपल इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर लिया है, जैसे अपडेट हो जाता है तो इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको आगे की प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो फाइनली देखिए दोस्तों ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ टैप करके, तो यहाँ पे हमारे जो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट मांगेगा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बैक कर देना है। ये प्रो वर्ज़न के लिए जिसमें आपको थोड़ा सा पैसे देना पड़ेंगे, हम फ्री वर्ज़न ही यूज़ करेंगे, हमको फ्री ही यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट लिखा आ रहा है, इम्पोर्ट वाले सेक्शन पर हमको क्लिक करना है। हमें वही वाला वीडियो चूज़ करना है जो हमने 26 सेकंड का देखा था, तो हम क्या करते हैं वो वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोने में ये एक वीडियो दिख रहा होगा, जैसा कि मैं आपको रेड आपको रेक्टेंगल में शो कर रहा है। इस वीडियो को हमने वहाँ पे क्लिक किया था तो ये अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट बता रहा था। तो हम क्या करते हैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट का बटन दिख रहा है आपको राइट साइड में ऊपर ही ऊपर। देखिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला के जूम करके आपको बता देता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है बटन, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन देगा कि आपको स्माइल फाइल बनानी है, हाई क्वालिटी स्माइल फाइल बनानी है HD वर्ज़न में, या मीडियम आपको रखना है या मीडियम फाइल। इसमें बहुत सारा रिजोल्यूशन और इसकी क्वालिटी बताई गई है ना।
तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे तो हम स्मॉल फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होगा, रिजोल्यूशन इसका लो बता रहा है पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो हम इसको स्मॉल फाइल में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको स्मॉल फाइल में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे ना, तो रिजोल्यूशन इसका थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, रिजोल्यूशन इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे ताकि ये हमारा मैनेज हो जाए। बिट रेट भी थोड़ा सा हम कम कर लेंगे और यहाँ पर हम कंप्रेस कर लेंगे, कंप्रेस वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम कंप्रेस वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे कोई सा भी हमारा फाइल नेम हम इंटर कर देंगे, या फाइल नेम मांग रहा है तो देखिए मैं इस फाइल का नाम मैं बैंक फाइल रख देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा जो है वीडियो कंप्रेस हो चुका है, इसमें जो ऐड आ रहा है हम इस ऐड को स्किप करके बैक हो जाएंगे। अब दोस्तों आप मोबाइल को वापस से पोर्ट्रेट पोजीशन में लेके आ जाइए। अब हमें काइनमास्टर एप्लीकेशन पर वापस से जाना होगा क्योंकि वहीं पर ही हम वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। काइनमास्टर एप्लीकेशन पर हम आ जाते हैं और हमारा फर्स्ट वाली फाइल वापस से ले लेना है जिस फाइल में एडिटिंग कर रहे थे, जहाँ पर अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आ रहा था, तो हम इसको वापस से क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, हम लेयर पर सिंपली क्लिक करते हैं। फाइल को हमको इंपोर्ट कराने के लिए मीडिया पर जाना होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वीडियो कंप्रेसर, क्योंकि हमने जो वीडियो कंप्रेस किया था वीडियो कंप्रेसर में, तो उसने अपनी फाइल वैसे बना के दे दी है। देखिए राइट साइड में ऊपर ही ऊपर वीडियो कंप्रेसर करके एक फाइल दिख रही है आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो 26 सेकंड का वीडियो पे है, जो सेकंड वाला नहीं, जो फर्स्ट वाला हमने जो कंप्रेस किया था, यहाँ पे देखिए इस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तब देखना आप। तो देखिए यहाँ पे आपने क्लिक किया है और यहाँ पे फाइल लार्ज बता रहा था, लेकिन ये फाइल यहाँ पे आसानी से सपोर्ट कर गई है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए मैं जूम करके पूरे इसको यहाँ पे स्क्रीन में फिट करके मैं आपको इसको प्ले करके बताता हूँ ये फाइल चल रही है भी कि नहीं चल रही है। तो चलते हैं हम इसको प्ले करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फाइल हमारी सपोर्ट हो चुकी है और ये देखिए प्ले भी हो गई है आसानी से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी भी दिख रही है। तो आप इस तरह से अपने मोबाइल में जो अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट को आप आसानी से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लेकर आता रहता हूँ, मैंने काइनमास्टर ने बहुत सारी वीडियो बना रखी है प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप सिंपली मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करके काइनमास्टर की सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।